जनरल एसएस पठानिया अध्यक्ष सैनिक समाज पार्टी, उन्होंने उपराज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह अधिवास प्रमाण पत्र में कुछ सामान्यताओं को हटा दें, विशेष रूप से लोगों और युवाओं में इसके प्रभाव को देखते हुए। विसंगतियाँ कह सकते हैं जिनको दूर करना जरूरी है हमारी यूटी के लोगों के इंटरेस्ट के लिए। सबसे पहले जो विसंगति है या एनोमली है वो है कि जितने जो पुराने स्टेट सब्जेक्ट या पीआरसी बने हुए हैं उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही कंसीडर करना चाहिए। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो इशूइंग अथॉरिटी उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा और पब्लिक को भी कन्वीनियंस होगी। दूसरी जो हम ये चाहते हैं कि पीआरसी के अंदर जो 7 साल वाला प्रोविज़न है कि कोई बच्चा यहाँ अगर 7 साल रहता है या 10वीं 12वीं करता है तो उसको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ये हम इसको भी दूर करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमारा जो युवा वर्ग है उसकी नौकरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तीसरी जो विसंगति है वो ये है कि इन्होंने कुल 15 दिन का टाइम दिया हुआ है तहसीलदार को, अगर वो 15 दिन के अंदर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं इशू करता है तो अपीलेट अथॉरिटी में जाया जा सकता है और तहसीलदार को जुर्माना शुरू हो जाएगा। अभी इस क्लॉज का हम ये चाहते हैं कि ये क्लॉज कम से कम 40 दिन किया जाए ताकि जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो चलता रहे स्मूथली और कोई गलत हाथों में ये चीज़ ना आ जाए।